भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा मंडल द्वारा वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया और गंभीर आरोप लगाए गए कि वहां पर गुंडागर्दी की जा रही है और जो विधायक मंत्री है उनके संरक्षण में वहां पर गुंडागर्दी हो रही है। जहाँ तक जैसे आपने पूर्व प्रत्याशी की बात की है, चेतन ब्राक्टा जी की बात कही है, अतीत में भी अगर आप देखेंगे पुरान का जो चार वर्ष का, विशेषकर 2021 के बाद जब आप इंडिपेंडेंट फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े थे, तो जो उनकी मैं समझता हूँ एक व्यक्तित्व है, एक कुंठित व्यक्ति के रूप में उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है, तथ्यहीन बयानबाजी, अनाप शनाप बोलना, मर्यादा से परे बात करना, वो उनका एक व्यक्तित्व बन चुका है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र की बात आती है, हर दृष्टिकोण से निरंतर विकास के पथ पर हमारा चुनाव क्षेत्र आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप में जो उन्होंने आरोप लगाए वो पूर्ण रूप से निराधार है और राजनीति से प्रेरित है। कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि वहाँ पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है और उसके लिए राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा है, क्या इस तरह का कोई वहाँ पर हुए कोई घटनाक्रम हुए जी? जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। और अगर आप देखेंगे अतीत में इनका जो इनका इतिहास रहा है, क्योंकि जो एक तरह से मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रतीक होता पुलिस स्टेशन होता है, राजनीति के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते। मुझे याद है जब गुड़िया का प्रकरण हुआ था, उस वक्त इन्हीं लोगों ने, इनकी पार्टी के लोगों ने पुलिस थाना आपका कोटखाई किस तरह जलाया गया कि उसका लाभ इनको 2017 के विधानसभा चुनाव में मिले, उस सोच के साथ पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई गई थी। और इस तरह के अनेकों उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। और जहां तक जो उन्होंने बातें संज्ञान में लाई है, वो सारे के सारे मामले में समझता हूँ कहीं पर बच्चों की आपस में लड़ाई झगड़ों की बातें हैं, कहीं पर आपकी हमारी जो स्थानीय लेबर है उनकी लड़ाइयां हैं, उसमें कांग्रेस बीजेपी लाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय को लगता है कि चेतन ब्राक्टा जी जो पति पत्नी के बीच में इस तरह की छोटी मोटी लड़ाइयाँ होते हैं उसको भी वो कहीं ना कहीं राजनीति से जोड़ेंगे। तो मेरा तो यही उनको राय रहेगी कि सकारात्मक पॉलिटिक्स करें, और कहीं ना कहीं उनकी बयानबाजी भी मुझे कंगना रनौत जी के साथ में मिलती जुलती लगती है, और पैसे वैसे भी ज़्यादा गंभीरता से मैं उनके बयानों को लेता नहीं। कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, राजनीतिक द्वेष से जो है तबादले किए जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जो परसों का ही प्रकरण की बात करें, वहाँ तो जो हमारे जेई थे नगर पंचायत में, उनके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ बदसलूकी की, मारपीट की, और मैंने जैसे पहले कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और इन कामों के लिए वो निपुण है। तो हमें पूर्ण आशा है कि दोनों स्टेट्स में, क्योंकि चाहे महाराष्ट्र की बात हो, लोकसभा इलेक्शन के दौरान भी 2024 में अच्छा प्रदर्शन इंडिया लाइंस का रहा है, वहाँ पर एकजुट होकर हमारी सभी जो तीन मुख्यता पार्टीज हैं, चाहे एनसीपी की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे शिवसेना की बात हो, वहाँ पर हमारी जीत होगी। और झारखंड में भी, जहाँ पर हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस है, यहाँ पर भी हमारी इंडिया अलायंस की एक मजबूत आपका प्रदेश, हम दोनों जगह जीत की आशा कर रहे हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी को इस बार टिकट दिया गया, आपको क्या मतलब? ये एक मैं समझता हूँ हिमाचल की नहीं पूरे राष्ट्र की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट होगा, और निश्चित रूप में रिकॉर्ड तोड़ वोटों के साथ प्रियंका जी केरला से वायनाड से चुनाव जीतेगी। स्कूल मर्जर को लेकर जो शुरुआत हुई थी, किस तरह से अब डेटा लिए जा रहे हैं और क्या लगता है कितना फायदा रहेगा अगर इनको मर्ज किया जाएगा, और क्या आप किस तरह की चीज़ें इसमें रहेंगी? स्कूल कंसोलिडेशन आज मैं समझता हूँ मात्र किसी एक प्रदेश की नहीं, एक पूरे राष्ट्र की आवश्यकता है कि हम अपने मौजूदा अपने शिक्षा क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को और सुदृढ़ करें, स्ट्रेंथन करें। और इसके लिए मात्र हिमाचल प्रदेश नहीं, हर प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है, और विशेषकर अगर हम पूरे राष्ट्र की बात की, इसकी शुरुआत गुजरात में हुई थी आज से कोई 10 वर्ष पूर्व, और उसके उपरांत चाहे कोई स्टेट हो, चाहे किसी भी पार्टी की मैं समझता हूँ सरकार हो, सभी अपनी शिक्षा व्यवस्था को कंसोलिडेट कर रही है, स्ट्रेंथन कर रही है। और उसी सोच के साथ मैं समझता हूँ हिमाचल प्रदेश में भी हमने कुछ स्कूल्स को मर्ज किया है, और इसमें भी अगर हम टोटल पिछले वर्ष और इस वर्ष की स्कूलों की संख्या ले, वो लगभग 1100 के आसपास बनती है, और 1100 में से भी
400 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं था, और दूसरे चरण में हमने उन स्कूलों को मर्ज किया जहाँ पर दो या दो से कम आपके बच्चे हो, और तीसरे चरण में हमने वो संख्या थोड़ी बढ़ाकर 5 के आसपास की है, और भविष्य में भी ये अभी क्रम चला है, लेकिन अंतिम निर्णय आपके हमारा कैबिनेट ले गई, और वर्तमान अभी जो हमारा एकेडमिक सेशन है इसमें अभी कोई नए स्कूल मर्ज नहीं होंगे। सर, शिक्षा क्षेत्र में एक फैसला हाईकोर्ट ने सुनाया है, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला मिलेगा। सरकार इसे कब तक लागू करेगी? हालांकि 6 महीने की छूट सर दी गई थी, लेकिन अब इसमें 5 साल के बच्चों को भी ऐड करने की बात हो रही है। आप जानते हैं मैडम कि जो निर्णय हमारी प्रदेश सरकार ने लिया है एज पर NEP गाइडलाइंस लिया था, शौक तो किसी को नहीं था किस तरह का निर्णय ले, और पूरे भारतवर्ष में अधिकतर स्टेट्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया था। अब ये जो 2 दिन पहले अभी कोर्ट का फैसला आया है इसको हम एग्जामिन करेंगे, उसके उपरांत ही इसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, नई शिक्षा नीति पर गाइडलाइंस सही से फॉलो नहीं की गई है, ये भी हाईकोर्ट की ओर से कहा है। सारी बातों को जैसे मैंने पहले कहा कि कोर्ट का ऑर्डर जैसे ही प्राप्त होगा हर दृष्टिकोण को एग्जामिन किया जाएगा, उसके अनुरूप ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, स्पेशल एजुकेटर्स की भर्ती कब तक हो पाएगी? कुछ आईएपी रूल्स उसमें बनाए गए हैं, लेकिन क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ सवाल उठा रहे हैं। नहीं, लगभग वो अंतिम चरण पे है, और लगभग कोई 234 स्पेशल एजुकेटर्स के पद हमने कैबिनेट से सेंक्शन कर दिए हैं, और ये आगे कमीशन को भी इसकी रिक्वेजिशन भेजी जा चुकी है। धन्यवाद।